नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि बच्चों के मुंह से लार क्यों निकलती है। कई बच्चे हैं, आपने देखा है कि बच्चों के मुंह से लार टपकती रहती है, पूरे कपड़े बच्चे गीले कर लेते हैं, जिससे पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है और बार बार उनके कपड़े चेंज करना पड़ते हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, आज मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों यदि आपका बच्चा छोटा है, मींस आपका बच्चा लगभग 5 महीने से लेकर 1.5 साल 2 साल तक का बच्चा है और बच्चा मुंह से लार गिराता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे के दांत निकल रहे हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी बच्चों के दांत निकलते हैं, डेंटिशन का समय होता है, तो उस समय बच्चे के मुंह से लार आने लगती है। क्योंकि बच्चों के जब दांत बनते हैं तो अंदर मसूड़ों का विकास होता है, बच्चों को थोड़ा सा किचकिची होती है, तो बच्चा अपने हाथों को मुंह में डालता है और जो भी चीज उसको मिलती है आसपास वो उठाकर मुंह में डालने लगता है, तो बच्चों के मुंह से लार आती है। तो ये एक कॉमन चीज है, जब भी बच्चों के दांत निकलेंगे तो बच्चों के मुंह से लार आएगी, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत है। दोस्तों यदि आपका बच्चा बड़ा हो गया है, मान लीजिए आपका बच्चा 5 साल 6 साल 7 साल का है और उसके बाद भी बच्चे के मुंह से लार आ रही है, तो अब दांत तो बच्चे के निकल चुके हैं। तो दूसरा इसका जो कारण हो सकता है कि यदि आपके बच्चे के पेट में कीड़े की शिकायत है तब भी बच्चे को लार टपकना हो सकता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं तो बच्चों के मुंह से रात को सोते समय लार आती है, जिसे हम ड्रूलिंग भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि यदि लार आने के साथ साथ आपको 2-3 चीजें और मैं बताऊंगा कि ये चीजें भी दिख रही हैं, तो आप डेफिनेटली समझ जाइए कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। तो उसमें बच्चे के पेट में दर्द बच्चा बताता है कभी कभी। दूसरी बात, बच्चे के चेहरे पर आपको सफेद सफेद से स्पॉट्स दिखने लगते हैं, बच्चा पोटी वाली जगह में खुजली की शिकायत बताता है। तो उसके साथ साथ अगर ये भी लक्षण मिले आपको लार आने के साथ साथ, तो फिर आपको डेफिनेटली समझ जाना है कि अभी जो लार आ रही है बच्चे की, वो पेट में कीड़ों के कारण है। तो वहां पर आपको पेट में कीड़ों की जो दवाई है वो आपको देनी है, जिससे कि बच्चे की लार आना बंद हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो कारण है लार आने का, जो सेरिब्रल पाल्सी नाम की बीमारी होती है उसके जो बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को भी हमेशा लार टपकती रहती है, या जो हेमिप्लेजिया के बच्चे होते हैं उनको भी लार आती रहती है। उसका रीजन ये होता है कि जो यहाँ की मसल्स हैं, मसल्स में टाइटनेस होने के कारण, स्पास्टिसिटी होने के कारण, वो जो थूक होता है वो हमेशा बच्चों के मुंह से टपकता रहता है। तो इसका जो इलाज है, जब हम सीपी का इलाज करते हैं तो इसको भी ठीक किया जा सकता है। तो ये 2-3 कुछ कारण है जिससे कि बच्चों की लार आती है। यदि ये तीनों रीजन आपको नहीं दिख रहे हैं तो इसके अलावा कई और अदर रीजंस भी हो सकते हैं जो बच्चों की लार आने के लिए कारण हो सकते हैं, तो उसके लिए फिर आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि यदि ये तीनों कारण नहीं है तो फिर आखिर क्या रीजन है जिससे बच्चों की लार आ रही है। तो उसका निदान निकालकर, उसका कारण जानकर, उसका ट्रीटमेंट करके हम उस बच्चों की लार आने को कम कर सकते हैं। जय आयुर्वेद।